In the harsh terrain of Baltistan, young Amina embarks on a challenging journey each day. A path towards knowledge. Amina is not alone. Her story echoes among the peaks of her village and beyond. A shared narrative of resilience. Initiated in the humble lands of Shekhupura, the Muavin Foundation was ignited, a beacon of hope. This beacon lights the path for the underprivileged, casting the glow of education and empowerment in the remotest corners. मैंने अपना ये काम जो है अपने गांव से और अपने स्कूल से शुरू किया जहां मैं खुद पढ़ा। मुझे एज ए टीचर जब यहाँ पे मुझे स्टाफ की ज़रूरत पड़ी तो मैंने पूरे इस इलाके में इश्तेहार लगाए कि मुझे यहाँ पर एज ए टीचर कुछ पुलिस की ज़रूरत है कि मुझे उस वक्त आप यकीन नहीं करेंगे मुझे मैट्रिक पास कोई टीचर नहीं मिले हैं फर्स्ट मैट्रिक किया हूँ 2019 में जब माउन फाउंडेशन ने हमारे साथ जो है इनका कोऑर्डिनेशन हुआ तो उसके बाद बहुत सारे इन्होंने हमारे साथ सपोर्ट किए टीचर की सैलरी के मामले उनकी अच्छी खासी सैलरी हो गई जिससे टीचर मज़ीद बेहतर काम करने लगे इसके बाद माउन की तरफ से बच्चों को जो है स्टेशनरी के मामले भी जो है कापी पेंसिल वगैरह फराहम होते थे माउन से पहले हमारे पास बच्चों के आने की जो रेशियो है वो अगर 30% थी अभी तकरीबन 80% है अब हमारे पास इतने बच्चे बढ़ गए हैं अभी हमारे पास जो है उनके लिए रखने की जगह कम पड़ रही है Established in 2014, it now proudly supports over 100 schools, echoing with the ambitions of more than 28,000 students across Islamabad, Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh, and Gilgit-Baltistan. ये स्कूल हमारे कराची से लेकर वजीरिस्तान तक हैं। कराची में भी हैं, सिंध में, पंजाब, इस्लामाबाद गिलगित बल्तिस्तान वजीरिस्तान में मेरान शाह में तो इन सब एरियाज़ में हमारे स्कूल हैं और हम इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इनको जो भी जहां पर ज़रूरत हो वहां पर हम जा रहे हैं ...2014 में जो है जब मावन फाउंडेशन यहां पे आई है तो यहां पे इस स्कूल में दो कमरे थे दो वॉशरूम थे और दो कमरे और बाउंड्री वॉल थी और कुछ भी नहीं था हमारा बेसिक मकसद जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट है पावर्टी एलिविएशन है इस मुल्क के मुस्तकबिल की तरक्की है शहरों वगैरह में ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल्स भी हैं हकूमत का भी फोकस है एक्सपोजर भी है चांसेस भी हैं सो यहाँ पे तो ठीक है 60% आबादी जो देही इलाकों में रहती है गरीब हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है कि उनके लिए भी कुछ किया जाए इसलिए हमारा ज़्यादा फोकस और हमारा हमारी तमाम एफर्ट जो है दैट्स इन रूरल मार्जिनलाइज्ड निगलेक्टेड एरियाज मैं पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर भी अच्छी पढ़ाई थी पर वहाँ पर फीस ज़्यादा होने की वजह से मैं वहाँ पर अपनी तालीम जारी ना रख सका मैंने देखा कि यहाँ पर सोलर सिस्टम भी है पीने के लिए ठंडा पानी भी है कंप्यूटर लैब भी है और लाइब्रेरी भी है और प्रैक्टिकल लाइब भी है और यहाँ पर मैंने अपना एडमिशन करवा लिया और यहाँ पर पढ़ाई अच्छी हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो सबक हमें मिलता है ना उसके दौरान ही उसके साथ ही हमें LCD पर भी उसके मुतल्लिक वीडियो दिखाई जाती है जिससे हमें ज़्यादा समझ आती है The Muavin Foundation does more than just teaching. They empower,
They equip young minds with digital and technical skills, creating lifelines from hardship to hope. Through this empowerment, they ignite opportunities, fueling the relentless pursuit of a brighter tomorrow. हमारे पास तीन खवातीन के जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं, उसमें ड्रेस मेकिंग है, ब्यूटेशन है और शूज़ जो पेयरिंग जो है वो हम सिखा रहे हैं। ये जो जितने भी हमारे ये जितने शोभा जादिद में हमें फ़नी तलीम दे रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा जो मौशी हालात लोगों के ख़राब थे, काफ़ी ज़्यादा उसमें बेहतरी आई है। क्योंकि हम सिर्फ एक फ़नी तलीम ही नहीं देते, हमारे पास एक बुक है जिसको हम लाइफ स्किल कहते हैं, उसमें इंटरप्रेन्योरशिप और कारोबार करने का हम तरीका भी सिखाते हैं। उसमें छोटे लेवल पे जो कारोबार करने हैं उनके हम मुकम्मल उनको वर्कशॉप्स वगैरह के विजिट्स करवाते हैं, उनको छोटे लेवल पे किस तरह काम शुरू किया जाता है। तो उसे फिर हम लोगों ने हौसला दिया, सारा तरीका बताया, तो आज वो बच्ची 30 से 40 हज़ार अपना घर बैठी कमा रही है। मामन फाउंडेशन की तरफ से मुझे रेंट पे किया गया, इसके अलावा मुझे उधर से बहुत कुछ मतलब इस्तेमाल करने के लिए चीज़ें दी गई। तो मामन फाउंडेशन ने मेरा भरपूर साथ दिया और मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ कि माशाल्लाह मेरा बहुत ही अच्छा गांव में एक पार्लर चल रहा है और मेरा एक नाम है, मेरे 4 बच्चे हैं और मैं उन बच्चों का गुजारा भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ माशाल्लाह। तो वो अच्छे तरीके से मतलब स्कूल भी जा रहे हैं, मैं उनको भी अच्छे तरीके से डील कर रही हूँ और एक ये पार्लर भी बहुत अच्छे तरीके से चला रही हूँ। जितने लोगों ने और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारी मदद की है उनका पहले सबसे तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उनकी इस मदद की वजह से 2 स्कूल 320 बच्चे से आज हम 114 स्कूल और 28,000 बच्चे हैं और इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी ये इससे भी ज़्यादा बढ़ेंगे। दूसरा, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी हमें दे रहे हैं ये आपकी हमारे पास अमानत है और वो इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए आपने दिया उस पर खर्च होगी। In this pursuit of a brighter tomorrow, the Muavin Foundation invites you to join their journey. Your support can light up the path for countless futures, transforming lives through the power of education and skills. Together, we can shape the destiny of our youth and forge a prosperous future for Pakistan. Stand with us in this noble cause. For every flame of hope counts in the darkness.